लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भागलपुर पुलिस अब काफ़ी सख्त हो चुकी है। नियम तोड़ने वालों पर एक तरफ जहां पुलिस का डंडा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उठक बैठक भी कराया जा रहा है। बुधवार को अनावश्यक रूप से मटर गश्ती करने सड़क पर निकले कुछ युवाओं की पुलिस ने जमकर क्लास लगाई। किसी को मेढक की चाल चलाया तो किसी को साइकिल कंधे पर लाद कर ले जाने की बात कही। वहीं पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ ही देर में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और कई लोग दूर से ही पुलिस को देखकर भागने लगे। इधर यातायात प्रभारी रविंद्र कुमार महतो ने दलबल के साथ स्टेशन चौक समेत कई स्थानों पर लोगों से सड़क पर निकलने का कारण पूछा और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जुर्माना भी लगाया। वहीं ड्यूटी में तैनात जवानों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। लॉकडाउन का भागलपुर में व्यापक असर देखा जा रहा है। जगह जगह पुलिस अनावश्यक घरों से निकलने वालों से पूछताछ कर रही है और कड़ाई से लॉकडाउन का भागलपुर में पालन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन जो है तो यहाँ पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहा है। और पिछले एक सप्ताह से भागलपुर में लॉकडाउन का जो असर है बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जगह जगह हर थाना संबंधित थाना क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष है, वो अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा यह अपील भी की जा रही है कि आप अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना वायरस को चेन को तभी तोड़ा जा सकता है जब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। सिल्क टीवी भी आपसे अपील करती है कि लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना वायरस को चेन को तोड़ने में अपना सहयोग दें। लॉकडाउन के बीच बिहार में चर्चित सृजन घोटाले मामले में दो पूर्व डीएम पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। सृजन घोटाला राज्य के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, जिसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। वहीं घोटाले से जुड़े कई आरोपियों को सीबीआई ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन अब तक किसी बड़े अधिकारी तक सीबीआई के हाथ नहीं पहुंच सके हैं, जिसके कारण विपक्ष भी सीबीआई और नीतीश सरकार को घेर रही थी। दरअसल घोटाले में शामिल होने के आरोपी दो डीएम केपी रमैया एवं वीरेंद्र कुमार यादव पर कार्रवाई करने की अनुमति बिहार सरकार ने सीबीआई को दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि घोटाले में शामिल लोग कब तक सीबीआई के हत्थे चढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि सृजन घोटाले के तहत सृजन महिला विकास समिति नामक एनजीओ ने 1900 करोड़ रुपए सरकारी राशि का गबन किया था। भागलपुर के सबौर से संचालित होने वाली संस्था सृजन महिला विकास समिति की मालकिन मनोरमा देवी का संबंध बड़े राजनीतिक नेताओं एवं अधिकारियों के साथ था, जिसका फायदा उठाकर मनोरमा देवी सरकारी राशि का गबन करती रही। मनोरमा देवी जब तक जीवित थी तब तक यह गोरख धंधा आराम से चलता रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद घोटालों का सारा काला चिट्ठा बाहर आ गया। जबकि घोटाला उजागर होने के बाद से ही मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार एवं पुत्रवधु प्रिया कुमार फरार है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार काफ़ी गंभीर नजर आ रही है और इससे निपटने के साथ मरीजों की देखभाल के लिए कई अहम फैसले भी कर रही है। इसी को लेकर बुधवार को भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डीडीसी सुनील कुमार, सदर एसडीओ आशीष नारायण कई अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक महिला एवं पुरुष छात्रावास पहुंचे। जिला प्रशासन ने अल्पसंख्यक छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है और व्यवस्था का जायजा लेने अधिकारी छात्रावास पहुँचे थे। डीएम ने नाथनगर सीओ राजेश कुमार, वीडियो राकेश कुमार एवं अन्य अधिकारियों से छात्रावास में मौजूद सुविधा की जानकारी ली और क्वारंटाइन को लेकर पूरे अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का जायजा लिया। डीएम ने क्वारंटाइन सेंटर में आगंतुकों के लिए रजिस्टर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर 150 कोरोना संदिग्धों को छात्रावास में रखा जा सकता है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित कर अपनी तैयारियों को गति देने में लगी हुई है। इसके अलावा डीएम ने सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को सहयोग देने की बात कही।
संकट मोचन भगवान हनुमान की जयंती को लेकर भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक के समीप स्थित संकट मोचन दरबार समेत शहर के तमाम हनुमान मंदिरों में मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन का असर रामनवमी के बाद बुधवार को हनुमान जयंती पर भी दिखाई दिया। सभी मंदिरों में औपचारिक पूजन के बाद ताला लटका रहा, जबकि लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। आमतौर पर हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में विशेष तौर पर धूमधाम से पूजा की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। संकट मोचन मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र झा ने कहा कि बजरंगबली कष्टों को हरने वाले हैं और कोरोना महामारी का जल्द ही नाश होगा। साथ ही कहा कि हनुमान जी से देश और विश्व का कल्याण करने की कामना की गई है। जैसे आज हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है बहुत धूमधाम के साथ, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो है पूजा बहुत धूमधाम से नहीं मनाया गया, लेकिन खाली पूजा जो मंदिर का है हल्का मुल्का किया गया। अभी जो ये कोरोना जो अपना सिर्फ किया गया कि अभी कोरोना को जल्दी से जल्दी हटाइए, तो अगले साल इससे भी जास्ती धूमधाम से हम लोग पूजा करेंगे। आपके कल्याण के लिए आप जो भी आप सामर्थ्य है, कलयुग के देवता हैं और आप में सामर्थ्य है, राम जी के बड़े बड़े संकट हरने वाले, आप इस संकट को इससे भी मुक्ति करके आप भक्त को राह दिखलाइए, जीने का साथ दिखाइए। और इस साथ के साथ रहते हुए हम लोग हल्का मुल्का पूजा उजा किए हैं और जो भक्तों का भीड़ है वो नहीं लग रहा है, ना भक्तों को कहा गया कि आप घर में ही अपना लड्डू का भोग लगा के भजनमणि को पूज करिए और मां चालीसा पढ़िए। सबे बारात का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। वहीं लॉकडाउन को देखते हुए भागलपुर खानकाह सहबाजिया के सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम सहबाजी ने लोगों से घर पर ही रहकर इबादत करने की अपील की है। इधर सबे बारात को लेकर सदर एसडीओ आशीष नारायण ने लोगों से संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। सदर एसडीओ ने कहा कि पर्व त्यौहार की आड़ में जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर खानकाह पीर दमड़िया के उप सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग करे और घर से ही पूर्वजों के लिए दुआ करे। शबे बारात एक बहुत ही मुकद्दस, मुबारक और बख्शिश व मग़फ़िरत की रात है। ईमान वालों को चाहिए कि इस मुबारक मुकद्दस रात में अपने घरों में रहते हुए अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, दुआ इस्तग़फ़ार में वक्त गुजारें और ख़ास दुआ करें कि कोरोना वायरस जो महामारी बन के पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले रखा है और दहशत फैला रखी है, अल्लाह ताला इस बीमारी से अपने मुल्क को और पूरी दुनिया को इससे निजात अता करें। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद अपराधियों का हौसला कम नहीं हुआ है और अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। सोमवार को बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र महोता गांव में दबंगों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद दबंगों ने युवक के शव को गांव के ही खिरखिरिया बहियार के समीप कंपनी शर्मा के बगीचे में फेंक दिया। मंगलवार की सुबह जब कुछ ग्रामीण बगीचे की ओर गए तो युवक का शव देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। मृतक युवक की पहचान महोता गांव निवासी उपेंद्र चौधरी के पुत्र किशोर चौधरी के रूप में हुई है। इसके बाद ग्रामीणों ने किशोर चौधरी के परिजनों एवं अमरपुर थाना को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन एवं अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम की मदद से बगीचा और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बांका एसपी अरविंद गुप्ता की पहल पर भागलपुर से बांका पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में मामले का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद गांव के ही अशोक शर्मा, बलराम शर्मा एवं भोला राय को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ में जुट गई है। वहीं मृतक के भाई प्रमोद चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और दोषियों का पता लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बाद भी पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी करा रही है। वहीं पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। बुधवार को तिलकामांझी चौक पर हेडक्वार्टर DSP ओम कुमार अरुण और ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को पहले संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह और उनकी टीम में शामिल लोगों ने सैल्यूट किया और फिर पुलिस जवानों के बीच मास्क, ग्लव्स और पानी का वितरण किया। इसके बाद जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों ने थाली बजाकर भागलपुर पुलिस का स्वागत किया। मौके पर मौजूद हेडक्वार्टर DSP ओम कुमार अरुण ने सोसाइटी के कार्यों की जमकर प्रशंसा की, जबकि डॉक्टर अजय ने कहा कि लॉकडाउन तक उनकी संस्था पुलिस जवानों के बीच राहत सामग्री बांटती रहेगी। हमारे पुलिस कप्तान श्री आशीष भारती के नेतृत्व में जो है भागलपुर जिला में कोरोना वायरस के मद्देनज़र जरूरतमंदों को काफ़ी मदद कर रही है और हर चौक चौराहे पर मुस्तैद होकर के सक्रिय है, सेवा में लगा हुआ है। इससे प्रभावित होकर हमारे डॉक्टर साहब ने पुलिस के प्रति संवेदना व्यक्त किया और इन्होंने पुलिस को सहयोग किया। ये अपने स्तर से जो है वो दस्ताना, ग्लव्स, पानी का बोतल और ये बिस्कुट दिए हैं। आज का कार्यक्रम का स्टार्ट है। एक्चुअली हम लोग कोरोना के लिए हम लोग हेल्प डेस्क बनाए थे मायागंज अस्पताल में। अब दूसरा कार्यक्रम है और वो है कि हम लोग लगातार एक सप्ताह को पुलिस वर्ग जो है, जो मेन अभी रीढ़ है लॉकडाउन को कंट्रोल करने का, उसको प्रभावित, उसको फॉलो करने के लिए, और उन्हीं के बदौलत लॉकडाउन सक्सेस हो रहा है और बिहार खास करके बहुत बचा हुआ है कोरोना के संक्रमण से। तो इन्हीं के दिन रात परिश्रम, अथक प्रयास और इस खिलचिलाती धूप में भी जिस मुस्तैदी से ये काम कर रहे हैं, उससे हम लोगों ने सोचा कि ये भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, इनको भी कष्ट है। तो डेली हम लोग अगली एक सप्ताह तक, जब तक अभी लॉकडाउन है, अगला जो एक सप्ताह भी बचा हुआ है, तब तक हम लोग इनको पानी, मास्क, ग्लव्स, साबुन और बिस्कुट हम लोग प्रत्येक दिन देंगे एक सप्ताह तक। नौशा के प्रवत्ता थाना क्षेत्र जगतपुर गांव में बुधवार को अचानक लग जाने के कारण एक घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। आग लगते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रवत्ता थाना को दी, जिसके बाद पुलिस एवं अग्निशमन विभाग की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। वहीं आग लगने की खबर फैलते ही गांव के बीच अफरा तफरी मच गई और सभी आग पर काबू पाने के प्रयास में लगे रहे। एक ओर जहां कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, वहीं आगजनी की घटना लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। भागलपुर नाथनगर के रामपुर पंचायत में लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के बीच दीनहीन परिवारों के लिए गांव के कुछ युवा उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। समाज के जागरूक युवकों द्वारा 29 मार्च से लगातार भोजन पहुंचाया जा रहा है, जिससे इन गरीब परिवार एवं दिहाड़ी करने वालों के परिवार को, गाँव के लोगों के लिए ये सभी युवा किसी मसीहा से कम नहीं है, जो प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। खास बात यह है कि सेवा के साथ युवाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ग्रामीणों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। मौके पर आशीष कुमार, रितेश कुमार, आकाश, विनोद एवं रामचंद्र के अलावा कई युवा मौजूद थे। वहीं विकेयर संस्था की ओर से रामपुर खुर्द गांव में बुधवार को सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। विकेयर संस्था के अध्यक्ष नितेश चौबे समेत कई छात्र एवं युवा लॉकडाउन के दौरान शहर के अलग अलग मोहल्लों एवं अपार्टमेंट में सैनिटाइज कर रहे हैं, जबकि लोगों के कॉल पर रामपुर खुर्द गांव को सैनिटाइज किया गया। लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं समाज के असहाय लोगों की मदद के लिए भागलपुर में कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचा रही है। बुधवार को जगदीशपुर अंचलाधिकारी सोनू कुमार भगत, मुजाहिदपुर थाना की पुलिस और गौशाला समिति के सदस्यों ने गनी चौक के समीप जरूरतमंद लोगों के बीच राहत पैकेट बांटा। वहीं कई परिवारों के
बीच गौशाला समिति के मानव केजरीवाल ने पका हुआ भोजन वितरित किया। दरअसल योजना घर के अध्यक्ष मानव केजरीवाल को यह सूचना मिली थी कि गनीचक इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जो भूखे प्यासे रह रहे हैं, जिसके बाद श्री गौशाला समिति ने सभी जरूरतमंद लोगों के बीच राहत पैकेट वितरण किया। वहीं जगदीशपुर सीओ सोनू कुमार भगत ने कहा कि जल्द ही गरीब परिवारों को चिन्हित कर सूखा राशन जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। बाहर आके खाना भी तैयार बांटे हैं, कुछ राहत सूखा राहत भी बांटे हैं। आज गौशाला शिविर के लोग सदस्यों ने कहा कि हम लोग आपके साथ जाना चाहते हैं वहाँ भोजन बांटने के लिए, तो हम उनको सहयोग लगातार अल्पसंख्यक एरिया में आप चिन्हित करके खाना बांट रहे हैं। वहीं नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी कासमी एवं जन चेतना मंच के जिला संयोजक मंजर आलम ने सबौर प्रखंड के राजपुर में गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौलाना जाहिद ने कहा कि लॉकडाउन में सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोरोना वायरस के कारण आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार ने कोरोना के खतरे से बचाव के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है, जिससे महादलित गरीब एवं आम लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। इसी समस्याओं को देखते हुए बांका अमरपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने आम लोगों के लिए जनता रसोई की शुरुआत की है। जनता रसोई के माध्यम से प्रतिदिन हजारों मजदूरों, महादलित एवं गरीब परिवार के लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मृणाल शेखर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच भोजन, साबुन एवं मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार सौंडिक, विनीत शाह, भोलू पोद्दार, अरविंद शाह समेत कई लोग मौजूद थे। यह संकट की घड़ी है, पूरा देश आज इस समस्या से जूझ रहा है, तो ऐसे में देश के हर व्यक्ति का एक नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है कि जो भी, मैं तो एक गिलहरी हूँ, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, छोटी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जिस विधानसभा, अमरपुर विधानसभा बांका जिले में है, बिहार का ये विधानसभा है, तो मैं यहाँ इस कोशिश में हूँ कि मेरे विधानसभा का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इस संकट में मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम आ सकता हूँ, उनके लिए खड़ा रह सकता हूँ, इस कोशिश में हूँ। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की और आम लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की बात कही है, वहीं बौंसी प्रखंड के गुड़िया मोड़ के समीप SBI की CSP संचालक प्रिया कुमारी एवं सुखनिया नदी के समीप CSP संचालक रानी देवी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अपना पैसा जमा एवं निकासी करने CSP संचालक के पास आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन नहीं करने से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को कई बार हिदायत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना जैसी महामारी को कुछ लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।